हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलैक्सो फुटवेयर के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स से ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग सीधा रिजल्ट्स के ऊपर ही है। एंड सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि हम लोग जितने भी फिगर्स यहाँ पे देखेंगे वो सभी रुपीस इन करोड़्स में यहाँ पे रहने वाले हैं। एक चीज़ में और भी यहाँ पे बता दूँ कि रिलैक्सो की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो ये अपने सेक्टर्स की नंबर वन की पोजीशन में यहाँ पे हम लोगों को आने वाली कंपनी देखने को मिलती है। पहले नंबर वन हम लोगों को बाटा देखने को मिलती थी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो रिलैक्सो उस पर कायम होते हुए हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो पास्ट परफॉर्मेंस थे वो हमको काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। एंड अभी के जो परफॉर्मेंस है उसकी अगर बातें करें तो वो तो रिजल्ट्स के बाद हम लोगों को यहाँ पे मालूम चलने वाला है। सो चलिए देखते हैं कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो हम लोगों को कैसे देखने को मिल रहे हैं। सीक्वेंस पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस बार का यहाँ पे लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर का एंड यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर का डाटा का हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार का 750 के आसपास है, लास्ट क्वार्टर 722 के आसपास, लास्ट ईयर की बातें करें तो 676। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अच्छी चीज़ हम लोगों देखने को मिली कि इस बार का जो इनकम है वो क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों को इसमें जंप देखने को मिल रही है। देन वहीं पे अगर हम लोग एक्सपेंसेस की बातें करें तो एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार का जो एक्सपेंसेस है 655 है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर 630 है, लास्ट ईयर 555 देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेंसेस भी यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो हम लोगों का इनकम है दोस्तों 675 लास्ट ईयर का था एंड अभी का 748 है, 750 के आसपास से। ठीक है, वहीं पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स की अगर हम लोग बातें करें तो देखिए 675 पे 245 का देखने को मिल रहा है एंड 750 पे हम लोगों को 341 का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे हमारी कंपनी के जो मटेरियल्स के खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से अगर हम लोग इनकम में से एक्सपेंसेस को घटा दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो इस बार का करीब 94। ठीक है, लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो 92 एंड लास्ट ईयर की 120। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस के कारण हमारे कंपनी का जो ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस है वो हम लोगों को अच्छे यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। क्वार्टरली में थोड़ा सा जंप है, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्लैट टाइप के हम लोगों को क्वार्टरली यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स की भी बातें करें मतलब टैक्स देने के बाद, तो आप देख सकते हैं कि इस बार का 70 देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वार्टर 69 के आसपास है, लास्ट ईयर 90 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो सेम रीज़न यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब इनके जो प्रॉफिट में कमी आई है वो तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे फिर भी हम लोग इनके रिजल्ट्स को देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो पिछली बार की तरह यहाँ पे अच्छे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसका रिस्पॉन्स यहाँ पे जरूर से मार्केट में मतलब सोमवार को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन अगर ईपीएस की भी बातें करें तो 2.82, लास्ट क्वार्टर 2.76, लास्ट ईयर 3.63 है। तो सेम हम लोगों को प्रॉफिट के हिसाब से ही यहाँ पे ईपीएस भी देखने को मिल जा रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहना चाहूँगा कि देखिए इस कंपनी की अगर हम लोग बातें करें तो इनके क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट्स है दोस्तों वो यहाँ पे अच्छे हम लोगों को देखने को नहीं मिले, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर से आप लोगों को देखने को मिलने वाला है मंडे के दिन की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये यह है कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, कि जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको देख रहे हैं, ठीक है, उनको इसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि देखिए कोई भी कंपनी उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी, चाहे आप TCS को उठा लीजिए, IT की नंबर वन सेक्टर नंबर वन कंपनी हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलती है, तो उसके भी अगर आप लोग क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री या क्वार्टर फोर चारों क्वार्टर को अगर पकड़ोगे तो बीच में एकाध क्वार्टर में जरूर से उसका खराब हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेम टाइप की चीज़ें हम बोल सकते हैं कि हमको रिलैक्सो में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। सो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम लोग इस कंपनी को यहाँ पर सेल कर दें, ठीक है, समझाने का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर
अगर आप चाहे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी भी इसको यहाँ पे आप लोग आराम से होल्ड करके चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बातें करें, देखिए मार्केट में प्रेशर है एंड रिजल्ट्स भी खराब है, तो गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट की मर्जी है दोस्तों, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे पैनिक होने की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फ्यूचर की अगर हम लोग बातें करें तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। रिटर्न्स की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को 11 साल में यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि 9000% के आसपास का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आराम से इस कंपनी के साथ आप आगे के लिए चल सकते हैं, भले ही इस बार के रिजल्ट्स यहाँ पे खराब आए हैं फिर भी, ठीक है। सो इस कंपनी के रिजल्ट्स रिलेटेड जितने भी क्यूरीज मुझे आपको समझानी थी वो सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।